नमस्कार, हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे का जो टर्म्स था हमारा, जो हमने पढ़ लिया था मनसबदारी, आज धार्मिक नीति पढ़ेंगे कि उनके अकबर का धार्मिक नीति क्या था। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो ये जितने भी लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं, ये 10+ कोर्स के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। अगर आप इन सभी लेक्चर्स के नोट्स चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहते हो, तो उसके लिए आपको PDF सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, जो आप हमारे परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हो। ठीक, जो 499 रुपये में मात्र है और 3 महीने तक वैलिड रहेगा, मतलब कि संस्था के द्वारा 3 महीने तक जो भी आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, उन सभी के PDF नोट्स वो आपको परीक्षा प्लस ऐप पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का धार्मिक नीति अकबर के बारे में पढ़ते हैं, जो मैंने एंड किया था मनसबदारी, वहां से अब आगे बढ़ेंगे। ठीक, आज हो सकता है अकबर का समापन हो जाए, फिर अगले सेशन में हम जहांगीर के बारे में देखेंगे। तो एक एक पॉइंट करके हम ज्यादा, जो आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं, उसी को मैं पॉइंट आउट करूंगा। बाकी इतना ज्यादा डिटेल में हमें जाने की इसमें जरूरत नहीं है। तो अकबर की मेन धार्मिक नीति में क्या था कि अकबर ऐसा नहीं था कि सभी के साथ इनटॉलरेंस था, वो एक तरह से बोल सकते हो टॉलरेंस था, सभी धर्मों के प्रति जो है सभी धर्मों का आदर करता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम धर्म का था वो, तो सिर्फ मुस्लिम को ही आगे ले जाए, वो सभी धर्मों को लेकर एक साथ चलने वाला आपका बोल सकते हो राजा था। तो इसी वजह से उसने क्या किया था, उसे कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा एक सुलह कुल की नीति अपनाई थी, सिद्धांत था जो ईरानी सिद्धांत था उसको इसने अपनाया था, और इसी पे वो चलता चला गया, जिस पे इसके जो धर्म गुरु थे, जिसका सबसे ज्यादा इस पे इम्पैक्ट पड़ा था अकबर पे, वो कौन था, वो आपके थे अब्दुल लतीफ, और कुछ सूफी संत थे जो विचार, उनके जो विचारधारा थी उनपे जो है अकबर का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, जिसके वजह से अकबर ने क्या किया, एक जो आपका फतेहपुर में इबादत खाना खोला, अकबर ने इबादत खाना बनवाया। उसने इसलिए इसको बनवाया कि वो अपने धर्म मतलब इस्लाम के बारे में मैक्सिमम जानकारी पा सके। ठीक, इसीलिए वो क्या करता था, इस्लाम की जानकारी पाने के लिए इबादत खाने में सभी को जो धर्म गुरु होते थे उनको बुलवाता था, उनसे निष्कर्ष करता था, उनसे मतलब पूछता था इस्लाम के बारे में क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं। ये कब बनवाया था इबादत खाना, ये पूछता है आपसे एग्जाम में। 1575 में इसने इबादत खाना बनवाया था, जिसे एक तरह से बोल सकते हो प्रार्थना भवन। ये कहां बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है कि इबादत खाना कहां निर्माण कराया गया, तो फतेहपुर सीकरी में कब कराया गया, 1575 में। ठीक है, जिसे हिंदी में आप बोल सकते हो एक तरह से कि धार्मिक प्रार्थना भवन था। ठीक, यहाँ पे अकबर को धर्म की शिक्षा लेनी थी, इसीलिए इसने बनवाया था, और जितने भी इसके इस्लाम के धर्म गुरु थे इनको आमंत्रित करता था कि हमें इस्लाम के बारे में बताइए। फिर बाद में वही धर्म गुरु क्या हुए कि अकबर के मतभेदों के कारण जो है वो आना धर्म सभा में बंद कर दिए। तब अकबर ने क्या किया, वहां पे सिर्फ इस्लाम धर्म गुरुओं के बजाय वो सभी धर्म के गुरुओं को बुलाना शुरू कर दिया, मतलब उसे एक धर्म सभा जो है घोषित कर दिया गया, धर्म संसद घोषित कर दिया गया। ठीक, जो आपका इबादत खाना था अब उसमें हर धर्म के लोग आने लगे। और उसी समय इन्होंने 1579 में क्या एक मजहरनामा की घोषणा किया। तो ये आपसे पूछता है कि मजहरनामा की घोषणा अकबर ने कब किया था, तो 1579 में किया था। ठीक, जिसमें ये कहा गया कि अकबर को ही उस धर्म का सर्वोच्च बना दिया गया, मतलब सबसे ऊंचा पद किसे दे दिया गया, अकबर को दे दिया गया। और उसमें 5 बोला जाता है उलमाओं और इस्लामी धर्म जो विद्वान थे उनका क्या था, हस्ताक्षर था कि इन्हें जो अकबर को इस जो धर्म संसद बन रहा है इसी का उच्च पोस्ट दे दिया जा रहा है। अब आ जाते हैं मजहर के बारे में। कुछ इतिहासकार जो आपसे बोलते हैं मजहर के बारे में, स्मिथ और बुलजले हैग जो हैं वो कहते हैं ये अचूक आज्ञा पत्र था। मजहर जारी होने के बाद अकबर, जब मजहर जारी हुआ, जब उसे सबसे उच्च पद दे दिया गया उस इबादत खाने का, तो अकबर ने कुछ उपाधियां धारण की, उसे याद रखो, ये पूछता है आपके एग्जाम में। तब उसने उपाधि कौन सी ली, सुल्तान ए आदिल की उपाधि ली और इमाम ए आदिल की उपाधि ली। दो उपाधियां लिया था, सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल, इसका होता है न्याय प्रिय शासक, सबके प्रति न्याय करने वाला
शासक की उपाधि एक तरह से बोल सकते हो इसने धारण किया, और धारण की इस दस्तावेज मजहर में उसे अमर उल मोमिनीन कहा गया। जो मजहर निकाला गया था उसे क्या कहा गया, अकबर को अमर उल मोमिनीन कहा गया था। ठीक है, तो इतना डीप नहीं, बस आप इतना जानिए कि सुल्तान आदिल और इमाम आदिल अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि सुल्तान आदिल और इमाम आदिल की उपाधि किस शासक ने धारण किया था, तो ध्यान रखना अकबर ने धारण किया था। मजहर नामक जो दस्तावेज था इसका प्रारूप जो है शेख मुबारक ने तैयार किया था, ये याद रखना किसे किसने तैयार किया था। मगर बोला जाता है कि इसका जो मुबारक शेख मुबारक जो तैयार किया था ये किसके प्रेरणा से तैयार किया था, अबुल फजल और फैजी द्वारा जो इनको सलाह दी गई थी तब जाके इन्होंने ये मजहर जो नामा तो तैयार किया गया था। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं देखो अकबर ने सभी धर्मों के सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में सभी धर्मों में एकता लाने के लिए कि सभी धर्म एक जैसे हैं इसमें कोई वो नहीं है, तो 1582 में इन्होंने तौहीद ए इलाही, क्या तौहीद ए इलाही, देवी स्वरवाद, ठीक है, दीन ए इलाही जिसे कहा जाता है, जिसे आप लोग जानते हो नाम से, जो आप लोग में प्रसिद्ध है वो दीन ए इलाही है, जिसका नाम एक और कौन था, तौहीद ए इलाही। ठीक, तो दीन ए इलाही चाहे तौहीद ए इलाही कुछ भी अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही के नाम है। तो इसने एक नया धर्म शुरू किया जिसका नाम क्या था, दीन ए इलाही, मतलब एक धर्म। इसमें कोई ये नहीं माना जाता था कोई मुस्लिम होगा, कोई हिंदू होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, ठीक, सभी लोग जिसको मन करे वो दीन ए इलाही धर्म जो है अपना सकता था। इसमें हिंदुओं में जो है धर्म अपनाने वाला कौन था, बीरबल था, महेश दास था, जो इसने दीन इलाही का धर्म अपनाया था। ठीक, तो पहला ही हिंदू था। ठीक, उसके बाद से इस नवीन संप्रदाय दीन इलाही का प्रधान पुरोहित बोला जाए तो अबुल फजल था, मेन जो था इसका पुरोहित, जो है शिक्षा देने वाला कौन था, इस धर्म के बारे में जानकारी देने वाला कौन था, वो कौन था, क्योंकि अबुल फजल था एक नया धर्म था तो इसे एक तरह से इसे पुरोहित बना दिया गया था उस धर्म का, कि इस धर्म के बारे में जितना भी ज्ञान प्रचार प्रसार करेंगे वो कौन करेंगे, अबुल फजल करेंगे। ठीक है, मैंने बताया हिंदुओं में केवल सिर्फ महेश दास जो बीरबल थे इसे स्वीकार किए थे। ये भी आपसे पूछता है एग्जाम में कि दीन इलाही में हिंदू में कौन से जो है आपके निम्नलिखित में से दीन इलाही धर्म अपनाए थे, तो आप देख लेना इसमें सिर्फ महेश दास मतलब बीरबल थे। आगे बढ़ जाते हैं, इस नवीन धर्म में दीक्षा के लिए इतवार के दिन निश्चित था, मतलब शिक्षा प्रदान करना था लेना था तो इसके लिए इतवार का दिन जो है आपको वहां पे जाना पड़ता था। आपके कौन जो ये है ना आपके पुरोहित है इनके पास जाना होता था और इस धर्म के बारे में हमें जानना होता था, और इस दीक्षा के दौरान दीक्षित व्यक्ति को अकबर का प्रिय उद्घोष, ठीक है, क्या कहना पड़ता था, जब ये दीक्षा की तरफ जाता था उसमें तो अकबर का एक प्रिय जो शब्द था वो बोला जाता था क्या, अल्लाह अकबर, ये कहना पड़ता था। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, देखो दीन इलाही धर्म में दीक्षित शिष्य को चार चरणों अर्थात इखलास, क्या है, चहरगान इखलास को पूरा करना होता था। ठीक है, ये क्या था, मतलब एक एक तरह से चार चरण थे, जब भी उसमें कोई जाता था तो उसे चार चरण जो है आपको पार करने होते थे। कौन कौन थे, जमान संपत्ति और सम्मान और धर्म। दीन इलाही की असफलता का मुख्य कारण क्या था, तत्कालीन रूढ़िवादी जो परंपरा थी, जो कुछ लोग ऐसे थे जो मुस्लिम धर्म के थे, चाहे हिंदू धर्म के थे, चाहे ईसाई धर्म के थे, वो ये चाहते थे कि वो सोचते थे कि अकबर या कुछ ज्यादा उल्टा सीधा कर रहा है कि एक धर्म नया धर्म निकाल दिया, इसी धर्म के पर प्रचार प्रसार करता है, वो अपना धर्म क्यों निकाल दे। ये रूढ़िवादी जो उनकी जो स्थिति थी इस वजह से ये क्या हुआ, इनका जो धर्म चलाया गया था नया वो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। अबुल फजल ने अकबर के बारे में, बादशाह अकबर के बारे में कुछ बातें कही हैं, जैसे क्या कहा है, आग हवा पानी एवं भूमि इन चार तत्वों के समावेश हैं। कौन, अकबर का जो शासन था ये चार चीजों का समावेश है, जैसे
जिसमें उन्होंने योद्धाओं को क्या कहा है, अग्नि से तुलना किया है, और जितने भी आर्किटेक्चर थे, जितने भी शिल्पकार थे एवं व्यापारी थे, उनकी तुलना हवा से किया है, और विद्वानों की तुलना किससे किया, पानी से, और किसानों की तुलना किससे किया है, भूमि से। मतलब अकबर के शासनकाल में जितने भी लोग थे उन्हें ये एक एक आग हवा पानी और भूमि से इनकी तुलना की थी। ठीक, अब आ जाते हैं। शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था अकबर, जिसके कारण इसने अपने बेटे का नाम भी जो है क्या रखा था, सलीम रखा था, जहांगीर का नाम। ठीक है, इसने और क्या, 1583 में अकबर ने नए कैलेंडर इलाही संवत जारी किया था। ये आपसे एग्जाम में पूछता है, ये पॉइंट फैक्ट याद रखना कि इलाही संवत किसने जारी किया था, कब जारी किया था, याद रखना 1583 में। तो अकबर ने जारी किया था, इलाही संवत था, जैसे विक्रम संवत हुआ वैसे इसने इलाही संवत जो है जारी किया था। 1583 में पहले अकबर ने मुद्राओं पर कलमा और खलीफाओं का विवरण अंकित होता था। ठीक, बाद में उन पर सूर्य और चंद्रमा की महिमा का बखान करने वाला पद अंकित किए जाने लगा। ठीक, तो ये भी आपसे पूछता है कि सूर्य और चंद्रमा का जो है सिक्कों पे कब छाप मिलती है, किसके शासनकाल में छाप मिलती है, तो वो कब था, अकबर के शासनकाल में मिलती है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके इबादत खाने में हर धर्म के कौन कौन आचार्य थे, आपके मन गुरु थे, उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बाद में तो पहले इसे इस्लाम के लिए बनाया गया, फिर बाद में जो इस्लाम के धर्म गुरु थे वो काफी अकड़ में आ गए, तो अकबर ने क्या किया, उन्हें मना भी कर दिया, और सभी धर्म, मतलब जिसको हर धर्म के, हिंदू, ईसाई, जैन, सब धर्म के लोगों को इसने बुलाना शुरू कर दिया था। देखो, हिंदू धर्म के जो मेन थे वो कौन थे, देवी थे और एक पुरुषोत्तम थे, वो मेन इनके गुरु धर्म थे, आचार्य थे इस धर्म के। जैन धर्म के कौन थे, हरि विजय शरी और जिन चंद्र सूरी, ये दो लोग थे मेन। पारसी धर्म के थे दस्तूर मेहर जी राणा। ठीक, ईसाई धर्म के थे एका बीवा और मोन्सेरात। ठीक है, ये दो लोग थे ईसाई धर्म के, तो मतलब एक, दो, तीन और चार धर्म आपके इबादत खाना में आए थे एक साथ। अकबर सबसे ज्यादा जो प्रभावित था वो हिंदू धर्म से था। ये भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस धर्म से अकबर सबसे ज्यादा प्रभावित था, तो हिंदू धर्म से था। इसी कारण इसने, अकबर ने वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विठलनाथ और गोकुल को इसने जैतपुरा की जहांगीर दी थी। ठीक है, राज करने के लिए बहुत बड़ा जहांगीर दिया था इसे जैतपुरा का। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु तथा जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। ठीक, ये फैक्ट याद रखना, कभी आपसे डिटेल में पूछ दे तो। अकबर ने फारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहर जी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दी तथा उसी के प्रभाव के कारण अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। ठीक, कितना दान दिया था, 200 बीघा जमीन दे दिया था। सभी धर्म को एक समान ये देखता था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इस्लाम धर्म को ही देखता था, इसीलिए अकबर द ग्रेट बोला गया इन्हें। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान, पैबोस जैसी पारसी परंपराओं को आरंभ किया। पैबोस तो मैंने बता ही दिया था पहले ही आपको, जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था तो किसने आरंभ किया था, ये उसी को जारी रखा। साथ ही साथ उसके झरोखा दर्शन, मतलब कि जब राजा जाए, पूरी उनका एक सैनिक जाति है पूरा साथ में, तो झरोखा मतलब आप देख सकते हो, एक बनवाते थे लोग, उसी में से आप राजा की पूरे पूरे फौज को आप देख सकते थे। तुलादान मतलब कि एक तरफ क्या होता था, राजा को रखा जाता था, एक तरफ पूरे के पूरे आपके धन दौलत रखे जाते थे और वो गरीबों में बंटवाए जाते थे, तो ये तुलादान हो गया। पैबोस के बारे में मैंने बता ही दिया था कि आपको जब भी सुल्तान के सामने जाना होता था तो उनके पैरों को चूमना होता था, तो ये वाला प्रथा थी। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास को जमीन भेंट की थी तथा उसकी पुत्री के नाम कई गांव प्रदान किए थे। ठीक है, ये सिख के प्रति इनकी उदारता को दिखाता है कि अमरदास को कितना दिया, काफी जमीन भेंट किया, और उनके पुत्री जो थी उनको कई गांव जो है भेंट कर दिया था। अकबर ने सिख गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा जमीन प्रदान की, जिसमें प्राकृतिक तालाब भी है। ठीक है, एक तालाब भी दिया। यही एक समय बाद क्या होता है, अमृतसर नगर बसा। ये जो 500 बीघा जमीन दिया गया था इनको रामदास को, बाद में चलकर एक समय बीता उसमें जाकर क्या बता, अमृतसर नगर जो है बता।
ठीक है, जहां से आपका फॉर्म मंजूर था नाम था इन्हीं की, अकबर ने ही वो जमीन दिया था, किसको दिया था, रामदास को दिया था। फतेहपुर सिकरी का जो खाका था, एक तरह से बोल सकते हो जो सिटी इसने बसाई फतेहपुर सिकरी, इसका जो खाका इसने तैयार किया था वो आर्किटेक्चर कौन था, बहाउद्दीन था। ठीक, ये याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं अब इनके आर्किटेक्चर के बारे में, देख लेते हैं अकबर के समय में वस्तुकला के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, कि इन्होंने क्या क्या बनवाया था अपने शासन काल में। याद रखो ये आपसे पूछता है कि ये किसके शासन काल में बना, तो ये इसने पहले क्या बनवाया, सबसे पहला आप याद रखो हुमायूं का मकबरा इसने बनवाया, जिसमें भारतीय तथा फारसी शैली का जो है आपको मिलेगा कि ये किस पे बना है, भारतीय और फारसी शैली के मिक्स करके बनाया गया है ये मकबरा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, और क्या बनवाया था इसने, आगरा का किला बनवाया था। आगरा जो फोर्ट है इसका जो आर्किटेक्चर मेन था वो कौन था, कासिम खा था। ठीक, 15 वर्ष 35 लाख रुपए इसे खर्च किए थे, मतलब 15 वर्ष का समय लगा था और 35 लाख रुपए इसमें खर्च किया गया था। इस किले के पश्चिमी भाग में दिल्ली दरवाजे का निर्माण कराया गया है। ठीक, और इसी के दूसरा जो दरवाजा है उसे अमर सिंह दरवाजा भी बोला जाता है इसी किले में। ठीक, जो आपका आगरा का किला है। आगे बढ़ जाते हैं, जहांगीर महल इसने बनवाया था। जहांगीर महल ग्वालियर के राजा मान सिंह के महल का नकल है। ठीक है, किसका नकल किया था इसने, मान सिंह का जो महल है उसी के नकल पे जहांगीर के जो है महल बनवा दिया था। ठीक, ये पूरी तरह एक तरह से बोल सकते हो हिंदू शैली है, जैसे हिंदुओं के बनते थे उसी पर ये पूरा का पूरा का जहांगीर जो महल बनाया गया वो हिंदू शैली पर निर्भर है। आगे बढ़ जाते हैं, और क्या बनवाया था इसने, फतेहपुर सिकरी मैंने बता दिया आपको, शहर पूरा बसाया था इसने 1571 में। ये किसके उद्देश्य में बताया था, जो सलीम चिश्ती थे इनके, जिनको सबसे ज्यादा ये मानता था इनके गुरु, उन्हीं के जो है मरने के बाद उपलक्ष में उनके 71 में फतेहपुर सिकरी जो है शहर बसाया था, और इसी के बाद अपने बेटे का नाम भी सलीम रख दिया था। 1571 में फतेहपुर सिकरी को अपना ये राजधानी बनाता है अकबर। आगे देख लेते हैं, और इसने क्या बनवाया, जोधाबाई महल। ठीक, इसने बनवाया, ये इंपॉर्टेंट है आपसे कि अकबर से अगर पूछता है तो हो सकता है आपसे जोधाबाई महल पूछ ले। ठीक, तो जोधाबाई महल अकबर ने बनवाया, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं, और क्या बनवाया, पंचमहल बनवाया, जिसे हवा महल के नाम से हम लोग जानते हैं। बीरबल पैलेस बनवाया, मतलब बीरबल का महल बनवाया, ये याद रखना। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा है वनडे एग्जाम में कि बीरबल का महल किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। उसके बाद खास महल बनवाया था, जो अपने रहने के लिए बनवाया था, व्यक्तिगत इसका जो है आवास था तो इसने बनवाया। उसके बाद से अब आ जाओ, तुर्की सुल्तानों के लिए कोठी बनवाई इसने, दीवाने आम बनवाया, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी वो नहीं, सब सुल्तान तुर्की सुल्तान फलतान के लिए जो है वो क्या बनवाया, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आता है। मेन यहां से पूछता है दीवाने आम। ठीक है, दीवाने आम किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था, ये ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन आपका आता है। इसमें क्या था कि दीवाने आम में वो अपने मंत्रियों के साथ, आम लगा ना, आम जनता के साथ जो दरबार लगता था वो दीवाने आम में लगता था। दीवाने खास मतलब खास लोगों के साथ, जो धर्म इनके गुरु होते थे वहां पे जब ये बातचीत करता था वो दीवाने खास था एक तरह से। ठीक है, सिंपल भाषा में तो दीवाने आम और दीवाने खास दोनों याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जमा मस्जिद, ये भी आपसे पूछता है। ठीक है, तो जमा मस्जिद इसने बनवाया था, ये इसके बारे में देख लो, 542 फीट लंबी तथा 438 फीट चौड़ी है। इस मस्जिद के मध्य में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी मस्जिद में जो आपका ये जामा मस्जिद है, इसी में किसका है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। उत्तर में इस्लाम खां का मकबरा है, उस मस्जिद में जो है उत्तर साइड में जाओगे तो इस्लाम खां का मकबरा है, तथा दक्षिण में बुलंद दरवाजा बनाया गया है। ठीक है, जब ये गुजरात अपना विजय किए थे उसी समय ये बुलंद दरवाजा बनाए थे। ठीक, तो ये कहां है, जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी में है। ठीक, तो ये आपसे यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी वाला किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा मैंने बताया, ये कहां बनाया आपका, इसी में बनाया।
जमा मस्जिद है, इसी में आपका शेख सलीम चिश्ती का मकबरा 1571 में जामा मस्जिद के मकबरे का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसका निर्माण लाल और बलुआ पत्थर से किया गया, ये सब आपके काम की नहीं है। जहांगीर ने लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर इसमें बाद में क्या क्या लगवा दिया, संगमरमर के पत्थर लगवा दिए, ठीक है। जो ये सलीम चिश्ती का जो मकबरा है आपका, बुलंद दरवाजा के बारे में मैंने बता दिया, ये कहां है आपका, दक्षिण, जब गुजरात विजय किए थे उसी समय क्या किए थे, ये बुलंद दरवाजा आपके फतेहपुर सिकरी में लगवाए थे। और आगे इस्लाम खां का मकबरा भी मैंने बता दिया कि उसी में आपका बिल्ट है, कि इसमें जामा मस्जिद में है। लाहौर का किला, जब ये बाद में लाहौर की तरफ फतेहपुर से लाहौर चले गए थे, आक्रमण करने चले गए थे, तब वहां पे इन्होंने लाहौर का किला जो बनाया, तो ये भी आपसे पूछता है, इसे भी इंपॉर्टेंट में रख लो कि अकबर से अगर आपका आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आता है, आर्किटेक्चर में आपको ध्यान रखने वाला जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है, और जहांगीर पैलेस जो आपका बोल सकते हो, उसके बाद से बिरबल पैलेस, आपका लाहौर का किला, ये मेन है, ये आपसे पूछेगा। उसके बाद फतेहपुर सिकरी, उसके बाद इबारत खाना है, ये सब पूछेगा। तो ये सब किसके किए गए काम थे, ये सब अकबर के किए गए काम थे। तो इतने फैक्ट्स अगर आपको पता है तो आपके यहां से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो कभी आपसे गलत नहीं होंगे अकबर से। आगे मिलते हैं हम अगले सेशन में, जहां हम आपसे डिस्कस करेंगे का जहांगीर के बारे में।